तीन तलाक कानून के बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस बीच यहां पर मिल रही है तीन तलाक को लेकर। तीन तलाक का मामला जहां आगरा में एक हफ्ते में दूसरा तीन तलाक का यह मामला जो है सामने आया है और शादी के एक साल बाद ही पीड़ित को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। तो पीड़ित पत्नी को पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाला है। महिला ने फिलहाल दहेज के लिए प्रताड़ित करने का यह आरोप लगाया है। तो पीड़ित की शरीर पर कई जगह चोट और प्रेस से जलाने के भी निशान यहां पर पाए गए हैं। तो पीड़ित की एक साल पहले ही बुलंदशहर निवासी युवक से शादी हुई थी और अब तीन तलाक दे दिया गया है। कहा जा रहा है महिला की तरफ से कि दहेज न मिलने पर इस तरह से ये तलाक दिया गया, मारपीट भी की गई और प्रेस से जलाया भी गया है। तो एक हफ्ते के भीतर आगरा से ये दूसरा मामला है तीन तलाक का। पीड़ित पत्नी को जहां पति ने तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया, महिला ने फिलहाल पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और प्रताड़ना ऐसी कि शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान दिए गए हैं। तो पीड़ित की एक साल पहले ही बुलंदशहर के निवासी युवक से शादी हुई थी लेकिन अब तीन तलाक यहां पर पति ने दे दिया है। तो मामले लगातार सामने और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानून बनने के बावजूद भी इस तरह से मामलों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और पीड़ित को मारपीट कर घर से भी निकाल दिया गया है।